दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और नामी बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर गंदी फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर अपलोड करने का संगीन आरोप लगा है। इन आरोपों पर फिलहाल राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में उनके पुराने कंट्रोवर्शियल मामले भी सामने आ रहे हैं। याद हो कि मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बीते साल राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पूनम का कहना था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया था। वहीं राज कुंद्रा और सौरभ कुशवाहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ऐसे में इस हालिया मामले के तार भी पूनम के मामले से ही कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हाल के मामले पर मुंबई पुलिस ने बताया कि इस साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गंदी फिल्में बनाए जाने का केस दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये फिल्में बनाकर कुछ ऐप्स के जरिए पब्लिश की जाती हैं। इस मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी। इसी मामले में राज कुंद्रा का नाम उजागर हुआ है। कमिश्नर ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि इस रैकेट में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी है। पुलिस को उनके खिलाफ कई ठोस सबूत हाथ लगे हैं। इसके बाद सोमवार को उन्हें अरेस्ट किया गया। बता दें, इससे पहले शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने महाराष्ट्र साइबर सेल को स्टेटमेंट दिया था। शर्लिन का कहना था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा उनको हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का पेमेंट करते थे। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। तो यह है इस बॉलीवुड का गंदा चेहरा, इनकी घिनौनी असलियत। सुशांत किस नर्क भरी दुनिया में आ गए थे दोस्तों? ऐसी एक और गंदगी का पर्दाफाश करने वाले थे जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर हम उनका बदला लेकर रहेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे और उनका यह अधूरा काम भी पूरा करते रहेंगे। इस घिनौने बॉलीवुड को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। तो इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आप भी हमारे साथ बने रहें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।